दोस्तों आईपीएल साल 2021 का सीज़न आधा हो चुका है और अब दोस्तों धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होती जा रही है कि कौन सी टीमें प्लेऑफ्स के लिए पहुंचेगी। इसके अलावा दोस्तों सभी फैंस लगातार अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रहे हैं सभी टीमों को। दोस्तों आज सबसे बेहतरीन मुकाबला है आईपीएल साल 2021 की राइवलरी में, चेन्नई और मुंबई के बीच आज मुकाबला होने वाला है। दोस्तों आप नीचे कमेंट कर दो किसकी साइड हो, एमआई या सीएसके। बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, और टीम केकेआर एक बहुत ही बड़ी दुविधा के अंदर फंस चुकी है, जहां काफ़ी सारे चेंजेस आज मैं आपको बताने वाला हूं जो डेफिनेटली प्लेइंग 11 में होने वाले हैं। इसके अलावा क्या कप्तान इयान मॉर्गन ही रहने वाले हैं या वो गिव अप कर देंगे कप्तानी, तो क्या है लेटेस्ट अपडेट, क्या फ़ायदा क्या नुकसान इन अपडेट से चलते केकेआर को होगा। आज की वीडियो में मैं आपको A to Z सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी मज़ेदार काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज एमआई और सीएसके का एक ताबड़तोड़ मुकाबला है, तो मैं आपको माई 11 सर्कल के बारे में बताना चाहूंगा जो फ्री में अभी आपको हमारे लिंक से 1500 रुपए कैश दे रहा है। इसके अलावा 20% एक्स्ट्रा कैश भी आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको मिल जाएगा, जो कि पूरी तरह से सेफ है। यहाँ आप अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 अगर बनाकर दूसरे चैंपियंस के साथ हेड टू हेड करके जीत जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाएगा। डायरेक्ट विड्रॉल है, रणवीर सिंह का भरोसा भी इस ऐप के साथ जुड़ गया है, और काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स काफ़ी सारी धनराशि जीत चुके हैं इस ऐप के थ्रू, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको इंतजार किस बात का है, अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए नीचे दिए हुए लिंक से माई 11 सर्कल। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अभी बहुत ही बुरी दुविधा के अंदर फंसी हुई है, किस्मत एक तरह से इनसे रूट चुकी है, किस्मत इनका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही है। जहाँ दोस्तों 7 मुकाबले यानी कहें तो आधा सीजन अपना इनका यहाँ पर हार के अंदर ही चला गया, 7 में से 5 हार गए हैं, केवल 2 ही मुकाबले ये जीते हैं। बट आपको बता दें दोस्तों अब केकेआर की टीम यहाँ धीरे धीरे कवर अप करने वाली है, और अब जहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल के आई है। बट अपडेट से पहले आप नीचे कमेंट करके बता दो कि क्या केकेआर हारे या जीते आप स्टिल केकेआर को सपोर्ट करोगे, क्या आप एक सच्चे फैन हो केकेआर के। बात करते हैं टॉप अपडेट्स की, पहली अपडेट आ रही है ब्रैंडन मैकुलम को लेकर। तो दोस्तों ब्रैंडन मैकुलम की एज इट इज़ लाइन तो आप सुनी लो सबसे पहले, इफ़ यू कांट चेंज अ मैन चेंज द मैन। जी हाँ दोस्तों इनका कहना है कि अगर आप किसी पर्सन को बदल नहीं सको तो पर्सन को ही बदल दो, और इनका ये तात्पर्य है कि यह केकेआर के बल्लेबाज खासकर जो टॉप ऑर्डर है उनको बदलने की बात कर रहे हैं। दोस्तों 3 से 4 बड़े बड़े चेंजेस आपको अगली प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे, जहां एक कंफर्म चेंज तो सुनील नारायण और बेन कटिंग का स्वाप होगा, यानी दोस्तों ये एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि टॉप ऑर्डर और जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है वो ना इंटेंट दिखा रहे हैं ना अग्रेशन दिखा रहे हैं, और पावर प्ले तो पूरी तरह से बोरिंग बना देते हैं। तो खैर दोस्तों आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि क्या अब आप ब्रैंडन मैकुलम की बात से सहमत हो, क्या प्लेइंग 11 में चेंजेस जरूरी हैं। दूसरी अपडेट आ रही है ओपनर्स को लेकर। दोस्तों अगर चेंजेस की बात हो ही रही है तो ओपनिंग भी चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके ऊपर केकेआर मैनेजमेंट ध्यान दे चुका है, और अब केकेआर मैनेजमेंट बिल्कुल चाहेगा कि ओपनिंग भी चेंज की जाए। और हाँ दोस्तों अब ओपनिंग भी चेंज करी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो मोस्ट लाइकली जो नई ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनने वाला है वो है राहुल त्रिपाठी और करुण नायर का। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, अब शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर संभालेंगे, लोअर ऑर्डर संभालेंगे या टीम से बाहर रहेंगे उसके ऊपर अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर राहुल त्रिपाठी और करुण नायर आने वाले हैं नई ओपनिंग पेयर के तौर पर। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि क्या ये नई जो ओपनिंग पेयर है केकेआर के लिए साबित होगी एक अच्छी और पॉजिटिव ओपनिंग पेयर। तीसरी अपडेट आ रही है कप्तानी को लेकर। तो यहाँ दोस्तों कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा हाइक बन चुकी है कि क्या इयान म८र्गन ही कप्तान रहने वाले हैं, या पिछले सीजन जैसे 7 मैचों के बाद दिनेश कार्तिक ने कप्तानी गिव अप कर दी थी, क्या म८र्गन को भी कर देनी चाहिए क्योंकि उनका बैड लक चल रहा है, कप्तानी में भी वो नहीं चल रहे हैं, बल्लेबाजी में भी वो नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कप्तान इयान म८र्गन ही रहने वाले हैं। अभी कितने मैचों के लिए रहने वाले हैं या पूरे सीजन के लिए रहने वाले हैं ये तो कन्फर्म नहीं है, बट जो अगला मैच है उसके लिए तो रहने ही रहने वाले हैं। अभी तक केकेआर मैनेजमेंट की तरफ से अगले ही मैच का कन्फर्मेशन आया है। अब इसके अलावा अगर कप्तान इयान म८र्गन खुद पर्सनली कोई बड़ा धमाका कर दें तो बात अलग है, बट इसके बावजूद आपको बता दें दोस्तों होता है कभी कभी कि आपका फॉर्म नहीं चलता है। बट दोस्तों आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि कप्तानी डीके को देनी चाहिए या मॉर्गन को ही अपने पास कप्तानी रखनी चाहिए। तो ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।